हेलो नमस्कार साथियों साथियों, आपकी दो क्यूरी बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिनके आपके कमेंट और मुझे बार बार कॉल मैसेज आ रहा है। मैं काम के सिलसिले में आपको हर एक का कॉल अटेंड भी नहीं कर पाता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है, आपका जो स्किल टेस्ट है। दूसरी क्यूरी क्या आ रही है कि सर मेडिकल किस लेवल का होगा, क्या क्या उसमें चेक होगा। हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पे बात करेंगे, क्योंकि अपनी प्रैक्टिकल वीडियो तो चल ही रही है, लेकिन कई क्वेश्चन ये है बच्चों का कि प्रैक्टिकल में होता क्या क्या है, स्टार्टिंग से हमें हर चीज बताओ। तो मैं आज आपकी वो ही जो क्यूरी है उसको शॉर्ट आउट कर रहा हूँ। देखिए, उसकी पूरी जो दिनचर्या है उस दिन की स्किल टेस्टिंग में, वो आपको बता रहा हूँ। सुबह आपको जाना है, 7 बजे का या 8 बजे का वो टाइम देंगे, उस टाइम पे आपको पहुंचना है। उसके बाद वो एक रूम में आपको बिठा देंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सबमिट के लिए आपको थोड़ा वो टाइम दिया जाएगा कि आप लोग इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंटों को अरेंज कर लीजिए कि भाई ये लिस्ट है, आप पहले आपका 10th सर्टिफिकेट, ITI, उसके बाद आधार कार्ड, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपको पहले ही लिखवा दिया जाएगा। आप उस आधार पे जब अरेंज कर लोगे तो आपकी जो पैनल होगा, या जिसको कमेटी बोलते हैं, वेरिफिकेशन कमेटी, वो आपकी एक अलग रूम में बैठी होगी। एक एक दो दो को या तीन तीन, जो भी आपके जितने का ग्रुप बनेगा, उनको वो एक एक करके लेते रहेंगे और अलग अलग आदमी आपका डॉक्यूमेंट चेक करता रहेगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट चेक हो गया, उनके बाद आपको उसी रूम में बैठ जाना है। देन उसके बाद जो एक 20 का या 25 का, मान लो 40 बुलाया तो 20 20 के दो बैच बना देंगे, एक सुबह एक शाम को, इस तरीके से चलता है। तो आपको पहले क्या करेंगे, उन 20 बच्चों को या 40 बच्चों को ले जाएंगे, और जैसे अपना कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल होता है उसी आधार के ऊपर आपको बिठा दिया जाएगा एज ए रोल नंबर, या फिर वो जैसे भी आपको अरेंज करेंगे। आपको एक पेपर मिलेगा साथ में, सेम जैसे अपने प्रैक्टिकल के अंदर आपको आंसर कॉपी मिलती थी, इस तरीके का। उसके अंदर आपको लिखना क्या क्या होता है, सबसे पहले आपका उद्देश्य या टास्क लिखना होता है। देन उसके बाद आपको उपयोगी टूल्स हो गए, उसके अलावा जो भी सामग्री हो गई, ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। कार्य विधि आपको लिखनी नहीं है। जैसे मान लो आपको करवाया जा रहा है कि 2-वे स्विच की वायरिंग या जीने की वायरिंग, तो आपको सिर्फ कार्य विधि लिख के छोड़ देना है। लास्ट में आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या क्या आपने दिया है वो सब लिखना है, बाकी आपको वो करके दिखाना होगा। ये 2 या 3 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपको रिटर्न में लिखना है। देन उसके बाद में वो क्या करेंगे, आपको अलग अलग डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर आपको जगह दी जाएगी रोल नंबर वाइज कि आपका यहाँ पे आप अपना कार्य कर सकते हो। जो भी वो आपके से प्रैक्टिकल करवाएंगे उससे संबंधित सामान वो एक जगह अरेंज करेंगे, आपको खुद को उसमें से छांट के लेना है कि आपको जरूरत क्या क्या है। वो आपको ऐसे नहीं पकड़ाएंगे कि ये सामान आपका है, नहीं, आपको खुद को जरूरत है उस हिसाब से आपको सामान लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा हो गया। देन उसके बाद वाइवा होगा, वो आपके पास आके भी कर सकते हैं, आपको बुला के भी कर सकते हैं, एक जगह बैठ गया जैसे कॉलेज में होता था। और उसके बाद में क्या होगा कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो ये पूछ लिया कि पोल्स की संख्या यदि हमने बढ़ा दी तो आपकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा किया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके की कुछ चीजें वो आपसे पूछ सकता है। कोई भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर ब्रीदर का क्या काम होता है, XYZ कुछ भी पूछ सकता है पूरे सिलेबस। ठीक है, देन ये हो गया। उसके बाद में आपसे क्या होगा कि जो आपका प्लम्बिंग का है उसके अंदर जाना पड़ेगा। आपका प्लम्बिंग का पहले प्रैक्टिकल होगा, उसके बाद वाइवा। प्रैक्टिकल में मान लो आपसे क्या करवा लिया, एक टी दे दी, उसके अंदर आपसे एक साकेट कसवा ली, या कोई भी इक्विपमेंट दे दिया वो आपसे कसवा लिया, बस इतना ही, दैट्स इट। अब आगे क्या होगा कि उसके जो प्लम्बिंग के सामान है, जैसे कि आपका कपलर हो गया, आपके सॉकेट हो गया, आपके टैप हो गई, कौन कौन सी है जो कॉक बोलते हैं, या एंगल वाल्व हो गया, ठीक है, MT FT, ये सब चीजें के बारे में वो वहां रखी रहेंगी, वो आपसे पूछेगा कि इस चीज को क्या कहेंगे।
ठीक है, या बोल देगा नाम FT उठा के दिखाओ मुझे। तो ये सारा प्रोसेस इसमें होता है। प्लम्बिंग के दोनों प्रैक्टिकल अलग अलग होंगे आपके, ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग एक साथ हो गया, क्योंकि बड़े जो कॉलेज होते हैं, एक जिला राज्य स्तरीय जो ITI संस्था होती है उसके अंदर हर ट्रेड होती है। इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक के अंदर प्रैक्टिकल होगा, प्लम्बिंग का प्लम्बिंग वाली उसके अंदर ट्रेड में आपका प्रैक्टिकल, ठीक है। ये एक उसका प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को फेल करते हैं वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सी अफवाहें भी फैलाते हैं बच्चे, तो उन सब से आपको परे रह के आपका स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। ज्यादा नहीं, स्किल टेस्ट ओनली 1, 2 या 3 दिन में मैक्सिमम आप सारे प्रैक्टिकल पढ़ सकते हो। अगर एक चीज हमेशा याद रखना, आपको यदि प्रैक्टिकल करना है ना, तो आपको लेआउट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल आना बहुत जरूरी है। यानी कि आपने लेआउट समझ लिया, अब उस लेआउट के अकॉर्डिंग आपको कनेक्शन आने बहुत जरूरी है। अगर आपने कनेक्शन कर दिए, आप कोई भी काम कर लोगे, ठीक है। ये होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ में, मेडिकल के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे चैनल के साथ।